हरे कृष्णा एवरीवन, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीएमए इंटर ग्रुप वन का फ्री लेक्चर, और ये बहुत ही डिमांडिंग लेक्चर था बिकॉज सबको चाहिए था कि दीदी कुछ तो बताओ जहाँ से हम लोग अमेंडमेंट लेक्चर पढ़ चुके हैं, और स्पेशली डीटी के लिए स्लैब रेट कहाँ से पढ़े, कौन सा रेट पढ़े, और किसी ने कमेंट किया था दीदी सारे अमेंडमेंट लेक्चर बताना जो कि हमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तो गाइस लिटरली मैं पूरा अमेंडमेंट लेक्चर बताऊँगी बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत सारे वीडियोज़ देखने के बाद, कुछ लेक्चर रिफ़र करने के बाद, उसके बाद मैंने बेस्ट टीचर्स के वीडियोज़ लेके आए जिसमें मैं आपको स्पेसिफिक टीचर के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज नाम बताऊंगी कि कौन से टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, कौन से टीचर से नहीं पढ़ना चाहिए। एंड उसके साथ साथ मैं कुछ टीचर और भी रिफ़र करूंगी जो कि आप ऑप्शन में रख सकते हैं कि अगर आपको उस टीचर से समझ में नहीं आ रहा जिनका मैं नाम बता रही हूँ, तो आप उन टीचर्स का भी लेक्चर्स देख सकते हो, वो भी बाकी स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को पसंद आए हैं जिनके रिव्यू की वजह से मैंने ये लेक्चर्स रखे। मैंने ये लेक्चर्स बनाने के लिए 3-4 ग्रुप में ऑलरेडी पोस्ट करके रखा था कि हाँ इस सब्जेक्ट के लिए कौन से आपके हिसाब से बेस्ट टीचर है। कुछ मेरे फ्रेंड्स से मैंने पूछा जो सीएमए में ऑलरेडी पढ़ रहे या पास आउट हो चुके हैं, और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो तो है ही, तो मैं इसे मिक्सअप करने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तो आई होप आपको ये सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे, अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, एंड उसके साथ साथ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना फटाफट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं वीडियो में जो भी बताऊंगी, पहले मैं बता देती हूँ, जो भी वीडियो में बताने वाली, जितने भी टीचर्स के नाम बताने वाले, जितने भी लेक्चर्स बताने वाली हूँ, वो सारे मैं ट्राई करूंगी कि आपको सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर सकूं। अगर किसी का लिंक नहीं प्रोवाइड होगा तो मैं ऑलरेडी वीडियो में आपको नाम यहाँ पे टीचर्स के दिखाऊंगी, जो भी टीचर्स के बारे में बताऊंगी, जो भी लेक्चर्स के बारे में बताऊंगी, मैं यहाँ सब साइड में शो करूंगी, तो आप उस टीचर का नाम लिख लेना उनके प्लेलिस्ट या उनके वीडियो में, जब उनका नाम डाल के वो टॉपिक का नाम डालोगे तो लेक्चर आ जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि सारे टीचर्स के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं हम लोग सबसे पहले लॉ के लेक्चर की, जो कि है हमारा पेपर नंबर 5। तो पेपर नंबर 5 हम लोग को बात करना है, तो हम बात करेंगे पेपर नंबर 5 के और लॉ के लेक्चर के बारे में, ठीक है। तब इसमें आपको क्या है, देखो पहला हमारा 4 सेक्शन में इसमें है, कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एंड बिजनेस एथिक्स, ठीक है। ये 4 टॉपिक है, मैं चारों के हिसाब से टीचर डिवाइड की हूँ, ठीक है। अभी चारों के हिसाब से आपको क्या, कमर्शियल लॉ में आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, सोगा है, पार्टनरशिप है, इंडस्ट्रियल लॉ में फैक्ट्री है, वेजेस है, ये सब टॉपिक है, उसके कॉर्पोरेट में आपका कंपनी लॉ है और डायरेक्टर है, और एथिक्स आपका एथिक्स है और थोड़ा सा रिलेशनशिप। तो ये चीज आपका जो टॉपिक है इसमें मैं आपको बताऊंगी, 3-4 ही टीचर सजेस्ट करने वाले लेकिन बेस्ट है जिनसे आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, अगर आपको एक ही टीचर से पूरा लेक्चर देखना है तो आप ये 2 चैनल को देख सकते हो, लॉ के लिए स्पेशली बता रही हूँ, आप सीए दर्शन केर सर का लेक्चर देख सकते हो, ये फुल फास्ट ट्रैक लेक्चर बनाया है लॉ का, लेकिन इन्होंने सीए के हिसाब से बनाया है, तो ऑलमोस्ट जो न्यू सिलेबस के सारे लॉ का लेक्चर है वो इससे मैच हो ही रहा है। 1-2 टॉपिक है जो कि नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो अपने स्टडी मैट के हिसाब से, ठीक है, नहीं तो बाकी ऑलमोस्ट सब सेम है, तो उसका कोई इशू नहीं होने वाला। तो आप इनका सीए दर्शन केर का देख सकते हो अगर आपको एक ही टीचर से पूरा पढ़ना है, तो नहीं तो आप इनमें से जो टीचर मैं रिफर कर रही हूं आप इनके भी लेक्चर देख सकते हो। कमर्शियल लॉ के लिए अर्जुन छाबरा सर को आप रिफ़र कर सकते हो, अर्जुन छाबरा सर को इसके लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अर्जुन छाबरा सर ना बहुत ही अच्छा सीए फाउंडेशन के बेस पे लेक्चर लेते हैं और पूरा डिटेल में लेक्चर लेते हैं, तो आप इनका लेक्चर रिफर कर सकते हो, ठीक है। सीए फाउंडेशन ये हो गया, तो आप इनका ये लेक्चर रिफर करोगे। इंडस्ट्रियल लॉ भी सरकार जो नोट्स है ना बहुत ही अच्छा है, मतलब बोलते ना कि ये सारे नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो नोट भी बहुत ईजी है सरकार और बहुत बेसिक लैंग्वेज में बना है, तो आप इनका नोट्स यूज़ करने के लिए इनका एक बार मैराथन देख लेना जिससे आपका इंडस्ट्रियल लॉ आराम से हो जाएगा, ठीक है। और सर ने इसका बिफोर एग्जाम रिवीजन भी बनाया है, तो आपका पूरा पढ़ाई ओके हो जाएगा ना, तो एक बार आप वो भी रिवाइज कर लोगे तो उससे भी आपका चीज़ें हो जाएगा। उसका बात करते हैं कॉर्पोरेट लॉ की, तो कॉर्पोरेट लॉ में ना मैं सीए शिवांगी अग्रवाल मैम का इनका 5-6 लेक्चर इन्होंने डाला है, रेगुलर लेक्चर है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया, आपका अच्छे से खत्म हो जाएगा चीज़ें, बहुत उन्होंने मैम ने डेप्थ में समझाया है, तो अगर आपको करना है तो आप शिवांगी अग्रवाल मैम का लेक्चर यूज़ कर सकते हो या सीए सिद्धार्थ अग्रवाल। मैंने बहुत बार इनको मेंशन किया अपने वीडियो में, इनका डायरेक्टर का जो स्पेसिफिक है 8 पेज का नोट्स है, लिटरली पूरा डायरेक्टर उन्होंने इसमें खत्म कर दिया, बहुत ईजी पढ़ाया, ईजी वे में पढ़ाया, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई है, और सर का 3 घंटे का ही सिर्फ लेक्चर है, तो डायरेक्टर मैं इनसे ही पढ़ी थी, बट जब डायरेक्टर पढ़ी ना तो मुझे ऐसा इंटरेस्ट आया कि मैं थोड़ा सा कंपनी लॉ भी पढ़ लूँ इनसे, तो मैंने इनका 8 घंटे का मैराथन देखा था कंपनी लॉ का, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा बिजनेस एथिक्स का, सर ने ऑलरेडी पुराना लेक्चर है लेकिन ऑलमोस्ट टॉपिक सेम है, आपका हो जाएगा कवर करके, कोई इशू नहीं होगा, आप वो देख सकते हो। अर्जुन छाबरा सर का 2 लेक्चर है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी। ये हो गया आपका पूरा लॉ का। उसके बाद अगर आपको सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़ना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, तो आप आकाश अग्रवाल क्लासेस को देख सकते हो। इनका सक्सेस बैच करके सीरीज चलता है हर साल, इनका जो लास्ट बैच है सक्सेस बैच 4 करके, उसमें आप जाके देखोगे तो सारे, मतलब बोलते हैं सारे चीज़ों का ऐसा है, लॉ का अलग प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, उसके साथ साथ क्या नाम है उन्होंने अपना
FA का अलग है, कॉस्टिंग का अलग है, तो इनके क्लासेस का मैं इनके चैनल का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, इनका सारा प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रहता है, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ताकास अग्रवाल क्लासेस को भी आप देख सकते हो। तो हो गया हमारा लॉ हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, सॉरी मतलब FA के, पेपर नंबर 6 आ जाता है हमारा FA के। तो FA में हम पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे, जिसमें हमारा अभिषेक सर का है, तो अविनाश सर का, तो अविनाश सर आपको पढ़ाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप इनका लेक्चर देख सकते हो, नहीं तो मैं रिकमेंड करूँगी आप CA संतोष सर का देख लो, 8 घंटे का लेक्चर है, लिटरली आपका पूरा पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर हो जाएगा। ये दोनों सर का बहुत ही अच्छा लगा मुझे लेक्चर, तो आपको जिनका लगे CA अविनाश सर या CA संतोष सर COC एजुकेशन, ठीक है, आप दोनों में से देख सकते हो। जॉइंट वेंचर के लिए आप CA भक्त का यूज़ कर सकते हो, और असाइनमेंट के लिए भी आप CA भक्त का यूज़ कर सकते हो, और ये तीनों लेक्चर के लिए आप CA संतोष सर को भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इन्होंने भी फ्री में अच्छे से प्रोवाइड किया है लेक्चर, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप की बात करूँ, तो पार्टनरशिप दीपक क्लासेस और CA भक्त दोनों ने प्रोवाइड किया है फ्री लेक्चर से यूट्यूब पे, पार्टनरशिप का 70 लेक्चर इन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड हाँ, दीपक क्लासेस ने अभी जस्ट अनाउंस किया है, मैं कल या परसों का वीडियो देख रही थी, कल देख रही थी, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि वो फ्री लेक्चर अपना लेके आने वाले हैं, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक लेके आने वाले हैं यूट्यूब पर, जो कि बहुत ही अमेंडमेंट लेक्चर रहेगा। तो उनका लेक्चर कुछ फरवरी से स्टार्ट हो रहा था, आप उनका FA के लिए भी क्लासेस यूज़ कर सकते हो, दीपक क्लासेस को, इनको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो, पेड प्रमोशन नहीं है गाइस, लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट किया था तो मैंने अपने वीडियो में बता दिया। CA भक्त का 30 लेक्चर है, लेकिन मैं 30 लेक्चर रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इसमें बेसिक पढ़ाया, इन्होंने सिर्फ पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, स्कैनर, ओल्ड स्टडी मैट सब कवर किया है, तो आप इनका लेक्चर दे सकते हो, फिर जो न्यू स्टडी मैट है उससे सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका ये। उसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग इंश्योरेंस के लिए आपको CA भक्त से करना है, फाइनल अकाउंट NPO CA संतोष सर से करना, क्योंकि उन्होंने बहुत बेसिक से सिखाया है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। सिंगल एंट्री आप सुधन सर अग्रवाल सर से भी कर सकते हो और CA संतोष सर से भी कर सकते हो, वो आपको देख लेना जिसका लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। उसके बाद ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंटिंग के लिए मैं बोलूँगी अन अकेडमी का CA इंटर का लेक्चर है, बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाए, आप उनका लेक्चर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अब एक ही टीचर से पढ़ना है तो आपको क्या काम करना है, CA संदीप शर्मा सर का चैनल आप देख सकते हो, बहुत ही डीप में पढ़ाए हैं और बहुत ही इन डिटेल पढ़ाए हैं, तो आप इनका लेक्चर आराम से देख सकते हो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, और मतलब मैंने इनका लेक्चर देखा था, तो मतलब आपको कोई इश्यू नहीं होगा इनके लेक्चर्स को देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आकाश अग्रवाल क्लासेस में भी इन्होंने फ्री में लेक्चर दिया है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो CA संदीप शर्मा सर ने जो दिया है 80 लेक्चर से, तो आराम से आपका कवर हो जाता है FA, ठीक है, तो आप इनका भी लेक्चर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं DT एंड IDT, जो कि सबको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, सबसे डाउट भी आता है, तो DT IDT को कैसे करना है वो भी जान लेते हैं। तो DT IDT को आपको क्या काम करना है, CA विवेक गापा मेरे फेवरेट है, एंड लाइक मैं जो पढ़ती हूँ ना CA विवेक गापा सर से ही पढ़ती हूँ DT IDT, मुझे मोस्ट ऑफ द चीज़ बहुत पसंद आती है, लेकिन बहुत लोगों को CA विजय सारदा सर का भी बहुत पसंद आता है, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको कौन से टीचर ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को विवेक गापा सर का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आता है, तो मैंने इनका जो देखा था 24 आवर्स का मैराथन इनका DT का और 24 आवर्स का IDT का भी है, जो जगराता करके है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, नहीं तो आप देख सकते हो। मैंने उनका DT का 50 से 60 आवर्स का रिविजन लेक्चर है वो मैंने देखा था, तो DT मेरा उससे मैंने किया था रिविजन कवर, और IDT का मैंने वो मैराथन देखा था 24 आवर्स का, लिटरली आपको पूरा कवर अप हो जाएगा। कस्टम भी है आपको, तो कस्टम के लिए आपको अमित महाजन सर का वीडियो देखना पड़ेगा, ये अलग टीचर है, लेकिन इन्होंने बहुत बेसिक से सिखाया है, 3 लेक्चर है अमित महाजन सर का, आपका कस्टम आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो हो गया आप CA विजय सारदा फुल फास्ट ट्रैक लेक्चर उन्होंने डाला है DT का, तो आप इनसे कर सकते हो। उस पर अगर आपको कुछ डाउट आता है, जैसे सर का नहीं समझ में आ रहा विवेक गाबा सर का, तो आप जसमीत सिंह के भी लेक्चर देख सकते हो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जसमीत सिंह के लेक्चर IDT से रिफर करते हैं, पढ़ते भी हैं, इनके लेक्चर थोड़े शॉर्ट रहते हैं और बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाते, लाइक हर चीज़ का एक सम जैसे सॉल्व कराते हैं ना वैसे कराते हैं। इनका IDT लेक्चर मुझे ज़्यादा पसंद आता है अकॉर्डिंग टू DT, और मुझे कुछ ना कुछ DT में ना ऐसा लाइक PGP में थोड़ा सा डाउट था और थोड़ा सा सैलरी के कॉन्सेप्ट में डाउट था इनके विवेक गाबा सर के लेक्चर में, तो मैंने सिद्धार्थ अग्रवाल सर का लेक्चर रिफर किया था फॉर सैलरी पर्पस, क्योंकि इन्होंने पूरा प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया और कुछ 8 लेक्चर में इनका सैलरी खत्म हुआ था, लेकिन इन्होंने बहुत डीपली पढ़ाया था, एग्जाम में कोई इशू नहीं आता इनका, अगर लेक्चर आप देखे गए होते तो लाइक ये चीज़ें मैंने ऐसे की थी, तो आप भी इनका लेक्चर यूज़ कर सकते हो फॉर DT पर्पस। तो हो गया DT एंड IDT का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग के लिए, कॉस्टिंग के लिए तो भाई KSJ टीचिंग ने पूरा फ्री लेक्चर ही प्रोवाइड कर दिया आपको फुल प्लेलिस्ट, लेकिन थोड़ा सा पुराना है तो आपको देखना पड़ेगा, तो अगर आपको नहीं मन कर रहा तो मैं बता रही हूँ मत देखो। CMA जंक्शन ने 24 लेक्चर प्रोवाइड किया, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही अच्छे से कराया, इन्होंने न्यू सिलेबस को ही करवाया तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इनका 24 लेक्चर का मैराथन सॉरी प्लेलिस्ट है वो आप यूज़ कर सकते हो और चीज़ें आराम से कर सकते हो, ठीक है। आप CA जसमीन सिंह ने भी 14 आवर्स का मैराथन डाला है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, CA के पर्पज़ के हिसाब से डाला है, तो अगर आपको जो टॉपिक लग रहा है आप वहाँ
से कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगी जो मेरे फेवरेट रहे हैं, जैसे मैंने डीटी के लिए बोला सीए विवेक गावा सर, उसके बाद एफए में मैं ज़्यादा कर सीए भक्त का रिफ़र करती हूँ, उसके बाद बचपन का संतोष सर का यूज़ करती हूँ, लॉ के लिए मैं ज़्यादा कर अर्जुन छाबरा सर का यूज़ करती हूँ, बाकी बचा चुका सिद्धार्थ अग्रवाल का यूज़ करती हूँ, डीटी आईडी में बचा चुका सिद्धार्थ अग्रवाल सर का यूज़ कर लेती हूँ, और कॉस्टिंग के लिए मैं एक ही सर यूज़ करती हूँ, रंजन परवार सर, जो कि मुझे पहले नहीं पता था कसम से। मुझे ना कॉस्टिंग और एफएम ये दो सब्जेक्ट ना तो समझ में भी नहीं आता था, बिल्कुल पसंद भी नहीं आता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कितना भी पढ़ ले रही हूँ ना मेरे मार्क्स तो नहीं आने वाले इसमें, लेकिन जब मैं सीए रंजन परवार सर से पढ़ी ना लिटरली मुझे चीज़ें ना समझ में आई, एंड एग्जाम में ऐसा दिख रहा था यार कि मैंने क्वेश्चन देखा है, उसके पहले का जो मैं अटैम्प्ट दी थी ना, मैं ऐसे एग्जाम में जाते थे ना तो क्वेश्चनिंग और एफएम के पेपर में ब्लैंक हो जाते थे, ऐसा लगा कभी क्वेश्चन देख ही नहीं हूँ, लेकिन इस बार के पेपर में मुझे ऐसा लगा ना कि नहीं यार मैंने क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन मैंने किए हैं, तो वाला फीलिंग आया था। एंड लिटरली इनके कुछ स्टूडेंट ने 100 में से 100 मार्क्स भी लाया है कॉस्टिंग में, तो बहुत ही अच्छा सर पढ़ाते हैं, तो रंजन परिवार सर का एक बार लेक्चर देख के रखना, मैं उनका प्लेलिस्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ग्रुप वन का डिटेल लेक्चर, उसके बाद मैं आपको अगर बोलूँगी तो ग्रुप वन के लिए आप सीए आकाश अग्रवाल सर, सॉरी आकाश अग्रवाल क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, केएससी जस्ट टीचिंग भी फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पे, तो आप इनका भी चैनल रिकमेंड कर सकते हो, और ऐसे दीपक क्लासेस ने भी अनाउंस किए हैं, तब इनका भी लेक्चर दे सकते हो, ठीक है। तो ये सब हो गए, उसके बाद आपको कोई भी डाउट रहेगा तो भी आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, वैसे तो मेरी वीडियो डालने के बाद मुझे नहीं लग रहा किसी को डाउट आने वाला है, बट फिर भी अगर कुछ डाउट आता है तो आप मुझे बेसिकली कमेंट कर सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, एंड ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, जहाँ भी हो सकेगा मैं फटाफट डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी, कमेंट का रिप्लाई मैं बहुत जल्दी देने की कोशिश करती हूँ, इसलिए कमेंट में फटाफट पूछना, एंड कोई और भी डाउट रहना तो कमेंट में डाल देना कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो ग्रुप 2 की आने वाली है वो भी फटाफट मैं लेके आने की कोशिश करूँगी, तो पढ़ाई फटाफट स्टार्ट कर दीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए। हरे कृष्णा, बाय बाय।